देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक शराबी शोहर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। शादी के एक साल बाद कार की मांग पूरी न होने पर दहेज लोभी शोहर ने अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित कर 3 तलाक दे दिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा है, जिसके बाद से आरोपी शोहर उसे जान से मारने की लगातार धमकियां दे रहा है। पीड़ित महिला ने अपने शोहर को बताया कि उसके माँ बाप बेहद गरीब हैं और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके परिवार की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन शोहर का जुल्म और अत्याचार पिछले 6 महीनों से बढ़ता ही गया। शराब के नशे में दुष्ट शोहर ने पीड़ित महिला को मारपीट कर आखिरकार 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद से महिला इंसाफ के लिए पुलिस थाने के चक्कर पे चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी शोहर के विरुद्ध प्रताड़ना का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। तो बोलता है कि हम तिलाक दे देंगे, हम कहें तिलाक नहीं लेंगे, बोला तिलाक दे दिया। हम तिलाक नहीं लिया तो हमने बोला थाने जा रहे हैं, बोला थाने में गई हो क्या कर लिया पुलिस वाले, तो हमने बोला कि ठीक है हम कुछ नहीं कर लिया। हम थाने आए हैं तो थाने वाले पुलिस वाले बोले कि कल हम तुम्हारा कोई कर नहीं, हमको भगा दिए गाड़ी किए। मतलब गाड़ी मांगता है, हमारी मम्मी पापा ने कहा हाँ गाड़ी मतलब 2 पहिए दिए थे, फुल दहेज दिए थे, वो बोला कि हमको कार चाहिए। मम्मी पापा हमें गरीब हैं तो हम बोला कि हमको कार पे नहीं चाहना है ना हमको चाहिए, तो बोला कि नहीं हमको कार चाहिए नहीं तो हम संदूक में मार के संदूक में भर देंगे। हम थाने आए तो थाने वाले बोले कि कहना है तुम्हारा कोई वो नहीं है, थाने वाले भी भगा दिए, हम सकल भटकते हैं। देख रही है क्राइम स्टोरी।